टाटा मोटर के स्टॉक ने मार्केट में हलचल मचा रखी है। बहुत ही तेजी से स्टॉक नीचे गिरा है और इसमें छोटी मोटी जो रैलियां आती भी हैं वो फेल हो जाती हैं। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो स्टॉक में फंसे हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये स्टॉक कहाँ तक गिरेगा और कब तक गिरेगा। क्योंकि जब भी इन्वेस्टर्स स्टॉक में घुसे हैं, वहाँ से वो स्टॉक जो है 5%, 10% और 20% वहाँ से नीचे गिर चुका है। लेकिन इतने सारे लोग टाटा मोटर्स में इंटरेस्टेड हैं, इसके बावजूद भी बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो टाटा मोटर्स के बिजनेस मॉडल को सही मायने में समझते हैं और इस चीज़ की जानकारी रखते हैं, इस चीज़ की समझ रखते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है वो इतना नीचे गिर रहा है। तो आज की वीडियो में हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि टाटा मोटर्स का बिजनेस मॉडल क्या है, कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जहाँ से टाटा मोटर्स को पैसा आता है और इनकी ग्रोथ वहाँ से होती है। दूसरा हम ये समझेंगे कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो टाटा मोटर्स फेस कर रहा है जिसकी वजह से टाटा मोटर्स का स्टॉक जो है इतना तेजी से नीचे गिर चुका है। और तीसरा फिर हम देखेंगे कि फ्यूचर का आउटलुक क्या है और इस स्टॉक में किस लेवल पे घुसा जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं टाटा मोटर्स का बिजनेस क्या है। तो देखिए, टाटा मोटर्स जो है बहुत ही पुरानी कंपनी है, बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी रही है। 1945 में टाटा मोटर्स की शुरुआत हुई थी और उस समय तो ये ट्रेन के जो लोकोमोटिव इंजन से वो बनाया करते थे। 1954 तक आते आते उन्होंने अपना कमर्शियल व्हीकल का ऑपरेशन शुरू किया और आज तक भी जो है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल कंपनी रही है। आप अगर रोड पे निकल जाएं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप कोई ना कोई टाटा की ट्रक या टाटा का कोई ना कोई बस आप ज़रूर देखेंगे। तो करीब 40 साल अपना कमर्शियल व्हीकल्स में प्रेजेंस बनाने के बाद में टाटा मोटर्स ने डिसाइड किया कि अब टाइम आ गया है हमको पैसेंजर व्हीकल में घुसने का। तो 1990s में टाटा मोटर्स ने अपना पैसेंजर व्हीकल्स का यानी कि जो कार्स के सेगमेंट में वो उतर गए, और उतरे भी तो ऐसे उतरे कि उन्होंने जो दबा के सक्सेस वहाँ पे उनको मिली, टाटा सुमो हो गया, टाटा इंडिका हो गई, टाटा इंडिगो जैसे जो बहुत ही फेमस ब्रांड्स हैं, बहुत ही फेमस प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने लॉन्च किए। तो कमर्शियल व्हीकल में जो उनकी सक्सेस थी वो वैसी ही सक्सेस उनको पैसेंजर व्हीकल्स में भी मिलने लग गई। लेकिन 2004 तक आते आते टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हो गया और उन्होंने जो है एक कम्प्लीटली न्यू रीडिजाइन स्ट्रैटेजी लॉन्च की, और वो स्ट्रैटेजी थी इंटरनेशनल एक्सपेंशन की। तो जो टाटा मोटर्स का जो मैनेजमेंट था रतन टाटा जी की लीडरशिप में, उन्होंने ये बोला कि देखिए हम कमर्शियल व्हीकल में काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, पैसेंजर व्हीकल्स में भी हमको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिल रही है, लेकिन ये हमारे लिए एनफ नहीं है, हमको और करना है। और इसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण ये कि जो इंडिया का जो एवरेज कंज्यूमर है वो काफ़ी प्राइस कॉन्शियस रहता है। देखिए, काफ़ी प्रैक्टिकल सी बात है, आप और मैं जब भी किसी शॉप में जाते हैं या जब भी कोई चीज़ शॉप करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे कम प्राइस पे सबसे अच्छी क्वालिटी हमको कहाँ पे मिल रही है। तो इंडियन कंज्यूमर प्राइस कॉन्शियस है, तो ये हमारे लिए तो अच्छा है लेकिन कंपनी के लिए उतना अच्छा नहीं है क्योंकि वो अपने मार्जिन बढ़ा नहीं सकते। तो टाटा मोटर्स ने ये बोला कि हमको ऐसे मार्केट्स में जाना है जहाँ पे जो एवरेज कंज्यूमर है वो इतना प्राइस कॉन्शियस ना हो और वो हमको हायर मार्जिन देने को तैयार हो जाए। तो इसके चलते वो जाना चाहते थे US और यूरोप जैसे मार्केट्स में। और दूसरा कारण जिसकी वजह से वो इंडिया से थोड़ा बाहर एक्सपेंशन करना चाहते थे वो था डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, ऑटो एक साइक्लिकल सेक्टर है यानी कि जो इकोनॉमी के साथ में ऊपर जाता है और इकोनॉमी के साथ में नीचे आता है। तो अगर टाटा मोटर्स पूरे का पूरा इंडिया पर डिपेंडेंट रहा और इंडिया की इकोनॉमी स्लो डाउन में चली गई तो टाटा मोटर्स के सेल्स और रेवेन्यूज वो भी कम हो जाएंगे। तो इसके चलते वो चाहते थे कि वो इंटरनेशनल मार्केट्स में जाएं ताकि अगर इंडिया की इकोनॉमी स्लो डाउन हो भी जाती है तो कम से कम जो उनके सेल्स बाहर वाली कंट्रीज है वहाँ से आते रहें और मोर और लेस जो है ये डाइवर्सिफिकेशन उनको स्टडी स्ट्रीम ऑफ इनकम देता चला जाए। और तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टाटा का जो ब्रांड है वो एक इंडियन एवरेज कंज्यूमर एसोसिएट करता है इकोनॉमी के साथ में यानी वैल्यू के साथ में। भाई देखिए, टाटा जो है वो चाय पत्ती भी बेचता है और नमक भी बेचता है, तो क्या मैं इस कंपनी के साथ में एक ऐसा प्रोडक्ट खरीदना चाहूँगा जो कि इसके लिए मैं 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख रुपए लगाने को तैयार हूँ। तो इन सारे कारणों के चलते टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट ने बहुत ही समझदारी के साथ में ये डिसाइड किया कि अब हमको इंटरनेशनल एक्सपेंशन करना चाहिए ताकि ये सारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये दूर हो जाए। तो इन सारे कारणों के चलते टाटा मोटर्स ने अपनी इंटरनेशनल एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी जो है 2004 में शुरू की, और शुरुआत की उन्होंने साउथ कोरिया से, और उसके बाद में उन्होंने कुछ पार्टनरशिप और एक्विजिशंस किए मेक्सिको और ब्राज़ील में। लेकिन साउथ कोरिया से कितना पैसा बना लेंगे आप, मेक्सिको से कितना पैसा बना लेंगे और ब्राज़ील से कितना पैसा बना लेंगे, जो सही मायने में जो पैसा है
वो है यूएस में और यूरोप में, और यहीं पे उनकी नजर लगी हुई थी। और जैसे ही उनको पहला मौका मिला 2008 में, टाटा मोटर्स ने बहुत बड़ी बाजी लगाई जैगुआर और लैंड रोवर पे। जैगुआर जैसे कि आप शायद जानते ही होंगे, बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है यूके बेस्ड, और लैंड रोवर जो है एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है, बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है यूएस बेस्ड। तो ये जो दो प्रोडक्ट्स को टाटा मोटर्स ने एक्वायर किया 16,000 करोड़ रुपए देकर के, अब आप इस चीज को समझिए, 16,000 करोड़ रुपए देकर के जैगुआर और लैंड रोवर जैसे प्रोडक्ट्स को टाटा मोटर्स ने एक्वायर किया। अगर आपको थोड़ा सा मैं अगर आइडिया दूं, 16,000 रुपए करोड़ रुपए में देकर रतन टाटा जी जो है अशोक लेलैंड को पूरा का पूरा कैश में खरीद सकते थे। भाई देखिए, सोचने की बात है, टाटा मोटर्स के पास में ऑलरेडी कमर्शियल व्हीकल्स में 45% मार्केट शेयर ऑलरेडी है। अगर वो अशोक लेलैंड को एक्वायर कर लेते तो कमर्शियल व्हीकल्स में टोटल उनका जो मार्केट शेयर है वो 80% हो जाता, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। अगर वो चाहते तो वो शायद ट्रैक्टर के सेगमेंट में जा सकते थे भाई, वो एस्कॉर्ट जैसी तीन कंपनियां 16,000 करोड़ रुपए में खरीद सकते थे, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी बहुत ही क्लियर थी कि हमको डेवलप्ड मार्केट्स में जाना है, हमको इंडिया से डाइवर्सिफाई करना है और हमको अपने मार्जिन्स बढ़ाने हैं। तो बहुत बड़ा ये दाव लगाया गया, और इस दाव लगाने के बाद में जो उनका रेवेन्यू का जो मिक्स है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। अब उनका 75% रेवेन्यू आने लग गया जैगुआर और लैंड रोवर से, जिसे JLR भी कहा जाता है, और सिर्फ 25% रेवेन्यू जो है वो इंडिया से आने लग गया कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स से। और ये जो स्ट्रैटेजी थी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम की। और अगर आप शेयर प्राइसेस को देखें तो 2008 में जब JLR का एक्विजिशन हुआ था, करीब 60 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। 60 रुपए से लेकर के 2016 में ये स्टॉक जो है 600 रुपए तक, यानी कि 10 गुना ऊपर चला गया। लेकिन ये जो पार्टी चल रही थी टाटा मोटर के स्टॉक में, ये बंद होने वाली थी, और इस पार्टी को बंद करने के लिए आए थे ये दो शख्स, बोरिस जॉनसन और डोनाल्ड ट्रंप। तो शुरुआत करते हैं बोरिस जॉनसन से, जो कि आज की डेट में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो बोरिस जॉनसन ने जो ब्रेग्जिट का जो मूवमेंट था, यानी कि यूके को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकालने का जो मूवमेंट था, इसको बहुत ही ज़्यादा तेजी से एग्रेसिवली पुश किया, और ना केवल पुश किया बल्कि इसमें वो सक्सेसफुल भी रहे, और यूके ने डिसाइड किया कि वो यूरोप से बाहर निकलना चाहते हैं। और इस ब्रेग्जिट का जो असर है वो JLR की सेल्स पे डायरेक्टली पड़ गया। तो देखिए, 40% जो रेवेन्यू आता है JLR का वो यूरोप से आता है। तो अब आप खुद ही सोचिए कि अगर यूरोप का जो एक एवरेज कस्टमर है, जो कि इटली में है या जर्मनी में है या नीदरलैंड्स में है, वो यूके के प्रोडक्ट्स को किस तरीके से देखता है। जब इस तरीके का एक इम्प्रेशन बनता है कि यूके के लोग जो अपने आप को थोड़ा सुपीरियर समझते हैं, वो यूरोप में नहीं रहना चाहते हैं, तो यूरोप के लोगों ने भी एक तरीके से सॉफ्ट बॉयकॉट करना शुरू कर दिया यूके के प्रोडक्ट्स को। और इसकी वजह से JLR की जो सेल्स हैं करीब 10 से 15% नीचे गिर गए। और ना केवल जो इफेक्ट है वो सिर्फ डिमांड साइड पे हुआ, जो सप्लाई साइड पे है वो भी काफी डिसरप्शन वहां पे हो गया। क्योंकि देखिए, JLR का जो सप्लाई चेन है वो यूरोप भर में फैला हुआ है। कुछ कंपोनेंट्स वो किसी कंट्री में बनाते हैं, कुछ कंपोनेंट्स वो किसी और कंट्री में बनाते हैं, लेकिन जब तक यूके यूरोप का पार्ट है ये आसानी से चीजें चलती रही। लेकिन जब यूके यूरोप से बाहर निकल जाता है तो वहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे नए नए रूल्स, नए नए टैक्सेस ऐड होते हैं, जिसकी वजह से JLR के कॉस्ट में काफी बढ़ोतरी होती है और उनके मार्जिन से बहुत तेजी से नीचे गिर जाते हैं। तो ये तो बात हो गई यूरोप की, ये तो बात हो गई ब्रेग्जिट की, ये तो बात हो गई बोरिस जॉनसन की। अब हम बात करते हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की। और जो 25% सेल्स JLR के US से होते थे वहां पे भी इम्पैक्ट होने लग गया। क्यों? क्योंकि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रेड वॉर छेड़ दी है चाइना के साथ में, उसके चलते उन्होंने इम्पोर्ट पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। और चूंकि JLR का जो मैक्सिमम सेल्स होते हैं US में, ये सामान बाहर से आता है, इन पे एडिशनल टैक्सेस लग जाते हैं, और इस टैक्सेस के चलते इनके मार्जिन्स और कम हो गए। अब इतनी सारी दिक्कतें शायद कम नहीं थी, कि तीसरी दिक्कत और आ गई टाटा मोटर्स को, वो थी चाइना से। और देखिए, चाइना में हुआ ये कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो एक स्लो डाउन में चली गई। अब रिसेशन नहीं बोल सकते, लेकिन स्लो डाउन में चली गई। और जब भी कोई इकोनॉमी किसी स्लो डाउन में चली जाती है तो जो लोग अपने लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं उसका जो परचेस है वो कम कर देते हैं। और यही रीज़न है जो कि मैनेजमेंट टाटा मोटर्स का जब भी आता है तो वो यही बात करते हैं कि भाई चाइना में स्लो डाउन हो गया है, इसकी वजह से हमारा जो है सेल्स वहाँ पर कम हो गया। लेकिन देखिए, सच्चाई चाइना की ये है कि JLR ही एक ऐसी कंपनी है जो प्रीमियम सेगमेंट्स के कार बेचती है और जहाँ पे बहुत ही तेजी से सेल्स गिरी हैं। इसको अगर आप कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करें BMW और मर्सिडीज की सेल्स में, उनके सेल्स एक्चुअली बढ़े हैं ऐसे समय पे। तो कहने की बात यह है कि
कि टाटा मोटर्स का मैनेजमेंट जो है चाइना के स्लोडाउन पे और ये जो ट्रेड वॉर है इसको ब्लेम कर रहा है अपनी सेल्स जो चाइना में गिर गई है उस पे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो JLR की जो सेल्स वहाँ पे कम हुई हैं उसका कारण है इनकी क्वालिटी प्रॉब्लम्स। भाई कोई भी अगर आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो आपकी एक क्वालिटी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, लेकिन जैगुआर की क्वालिटी इतनी खराब रही है वहाँ पे कि जैगुआर के ओनर्स ने जैगुआर के शोरूम्स के सामने जा जाकर के प्रोटेस्ट किया है अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए। और यहाँ तक कि सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि चाइना में जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जैगुआर के वो जैगुआर की कार्स को 60% 70% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं। तो आप खुद ही सोचिए एक प्रीमियम सेगमेंट की कार को अगर कोई डिस्काउंट पे बेचता है तो उसकी ब्रांड वैल्यू क्या रह जाएगी, उसकी रेपुटेशन क्या रह जाएगी। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से JLR को नुकसान झेलना पड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन जो है डीजल एमिशंस वाली कार पे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है, वो नहीं चाहते कि डीजल वाली कार बहुत ही बिकें। और JLR की ज़्यादातर गाड़ियाँ जो हैं वो डीजल बेस्ड हैं और वहाँ पे एडिशनल टैक्सेस उन पे लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो आम यूरोपियन पब्लिक है उनमें भी एक ऐसा परसेप्शन है कि डीजल गाड़ियाँ नहीं चलानी चाहिए क्योंकि वो एनवायरमेंट में पोल्यूशन करती हैं। तो जो डीजल कार का जो सेल्स है वो भी कम हो रही है। तो इतने सारे नेगेटिव कारण्स अचानक से सामने आ गए 2016 से लेकर के आज तक इंटरनेशनल मार्केट्स में। अब हम बात करते हैं इंडिया की। तो देखिए इंडिया में भी कई सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। पहली बात तो ये कि जो पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर है इंडिया का वो स्लो डाउन में चला गया है। आप मारुति का स्टॉक उठा के देख लीजिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक उठा के देख लीजिए, आप एस्कॉर्ट्स का स्टॉक उठा के देख लीजिए, सारे के सारे स्टॉक जो हैं अपने 52 वीक लो पे चल रहे हैं। और इसके अलावा भी बहुत ही बड़ा एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर जो टाटा मोटर्स ने किया कि जो उनको इनिशियल सक्सेस मिली टाटा सूमो से या टाटा इंडिका से वो उन्होंने और रेप्लिकेट नहीं की, ऐसे एक्साइटिंग मॉडल्स लॉन्च नहीं किए जिससे जो पैसेंजर व्हीकल्स में जो उनको मार्केट शेयर मिल रहा था वो और बढ़े। तो वो जो अपॉर्चुनिटी उनके सामने थी वो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दे दी ह्युंडई को, टोयोटा को या फिर मारुति को। और तीसरा कारण यह इंडिया में कि जब से ये ऊबर और ओला का जो पूरा जो ट्रेंड शुरू हुआ है लोगों ने कार खरीदना कम कर दिया है, इसकी वजह से भी टाटा मोटर्स के सेल्स पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो अब आप ये समझिए कि टाटा मोटर्स को हर तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। उनको यूरोप से प्रॉब्लम आ रही है, उनको US से प्रॉब्लम आ रही है, उनको चाइना से प्रॉब्लम आ रही है और उनको इंडिया से भी प्रॉब्लम आ रही है। और इन सारी चीज़ों का जो प्रभाव है वो स्टॉक प्राइसेस पे आप देख सकते हैं। वो 600 रुपये का जो स्टॉक था आज की रेट में वो 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ तक तो बात हो गई वो सारे चैलेंजेस की जिसकी वजह से टाटा मोटर का स्टॉक जो है इतना तेजी से नीचे गिरा हुआ है और यहाँ तक आकर के बैठा हुआ है। अब बात आती है कि आगे क्या करें, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप आगे क्या करें। तो देखिए मेरा ये मानना है और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि टाटा मोटर्स के जो एक साथ में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं कि धीरे धीरे करके आगे रिजॉल्व होते चले जाएंगे। ऐसा क्यों है? तो देखिए शुरुआत करते हैं ब्रेग्जिट से। तो देखिए जो ब्रेग्जिट को लेकर के जो डील है UK और यूरोपियन यूनियन के बीच में, ये अगले 3-4 महीने में कहीं ना कहीं जा करके तो होनी ही है। या तो वो हार्ड ब्रेग्जिट होगा या फिर किसी तरीके का एक कॉम्प्रोमाइज़ होगा, जो भी है वो पता चल जाएगा और जो अनसर्टेंटी है वो बाहर निकल जाएगी। तो ये जो अनसर्टेंटी का दूर होना भी अपने आप में स्टॉक पे पॉजिटिव इफेक्ट दे सकता है। दूसरी अगर हमें ये जो US और चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है जिसकी वजह से JLR के सेल्स US में और चाइना में दोनों जगह पे जिसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा रिलीफ मिल सकता है क्योंकि अगले साल US में इलेक्शन है और जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं ये फिर से चाहेंगे कि वो इलेक्शन जीतें। और अगर ये ट्रेड वॉर तब तक ख़त्म नहीं हुआ इसकी वजह से उनके इलेक्शन कैंपेन पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो इस ट्रेड वॉर का ख़त्म होना भी डोनाल्ड ट्रंप जी के लिए बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो अपने लोगों को बता पाएँ कि देखिए मैं इस ट्रेड वॉर को जीत गया हूँ और इसकी वजह से हमको ये सारे कंसेशंस मिल गए हैं। और तीसरी अगर हम इंडिया के इकोनॉमिक स्लोडाउन के बारे में बात करें जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर है वो नीचे बैठ गया है, इसके बारे में इसको लेकर के जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है काफ़ी एक्टिवली स्टेप ले रही है। और मेरा ये मानना है कि जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है ये एक साइक्लिकल है और अगले 6 महीने या साल में शायद ये रिकवरी दिखाना शुरू कर दे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो सारे नेगेटिव फैक्टर्स आज की डेट में लोगों के सामने हैं ये धीरे 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 करके निकलते चले जाएंगे क्योंकि इन पे एक टाइम लिमिट है और ये जो गवर्नमेंट्स हैं एक्टिवली इन पे एक्ट करेंगी और इसकी वजह से शायद इस स्टॉक पे कुछ रिलीफ मिल सकता है। लेकिन ये तो बात हो गई लॉन्ग टर्म की, अगले 6 महीने की, साल की या 2 साल की। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक क्या करेगा ये बताना बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है इस लेवल से और नीचे चला जाए, हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक कर जाए, इस चीज़ को स्पेक्यूलेट करना, इस चीज़ को बताना बहुत ही मुश्किल बात है। तो मेरा तो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए उत्सुक हैं
तो आपके जो मैं 3 और 4 जो बड़े बड़े चैलेंजेस बताए उन पे नज़र रखनी है। अगर ब्रेग्जिट की अनसर्टेनिटी निकल जाती है, यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर है वो ख़त्म हो जाता है और इंडिया की इकोनॉमी पिक करने लग जाती है, हो सकता है ये तीनों फैक्टर्स एक साथ आ जाएं, हो सकता है एक के बाद एक आएं, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू होता है और इनकी जो अर्निंग है वो इम्प्रूव होने लग जाती है, इनका जो डेट है वो कम होने लग जाता है, इसकी जानकारी आपको क्वार्टरली अर्निंग्स में मिल जाएगी। जब आपको वो सिग्नल मिलने लग जाए तब जा करके ही आप स्टॉक में एंटर करें, तब तक आपको स्टॉक में एंटर नहीं करना चाहिए। अब हो सकता है ये बात अगले 3 महीने में हो जाए, हो सकता है ये बात अगले 6 महीने में हो जाए, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं कि ये कब होगा, लेकिन जब ये होगा आपको उसका असर स्टॉक पे भी दिखेगा और आपको उसका असर मैनेजमेंट की कमेंट्री में भी दिखेगा, और तब जाकर के अगर आप एंटर करते हैं टाटा मोटर्स में तब आपकी प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है पैसा बनाने की, लेकिन अगर आप उसके पहले एंटर करते हैं तो आप जो है दिक्कत में आ सकते हैं। तो देखिए ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूं लेकिन मैं वेट कर रहा हूं कि जब ये फैक्टर्स थोड़े से जब निकल जाएं बाहर तब जाकर के मैं स्टॉक पे एंटर करूं। और मेरा ये मानना है कि टाटा मोटर्स का जो मैनेजमेंट है बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और वो कभी भी इस कंपनी को फेल नहीं होने देंगे। तो जो एन चंद्रा जी जो हैं, जो बहुत ही एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं अपना TCS का, और जिस तरीके से उन्होंने TCS को ग्रो किया है वो मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि वो टाटा मोटर के स्टॉक को बहुत ज़्यादा गिरने नहीं देंगे और जो भी उनके पावर में है वो करने की कोशिश करेंगे। सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि टाटा मोटर्स ने जिस दिन अपने एसेट सेल शुरू कर दिए, यानी कि अपने जो डेट को हटाने के लिए जो JLR के जो उनके एसेट्स हैं, कभी उन्होंने अगर इस तरीके का कोई डिसीजन लिया जहां से वो अपने एसेट्स को बेच करके मोनेटाइज करके अपने जो उन्होंने डेट लिए हुए हैं उसको कम कर देंगे, वहां से मैं मानता हूं ये जो स्टॉक जो है वो बॉटम आउट हो जाएगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी स्टॉक में जो आपको चकाचौंध कर सकती है, लेकिन हम नहीं जानते कि ऐसा कोई डिसीजन लिया जाएगा और अगर लिया भी जाएगा तो वो कब लिया जाएगा। तो तब तक के लिए हम वेट करेंगे, लेकिन इस स्टॉक में मैं डेफिनेटली इंटरेस्टेड हूँ, किस लेवल पे मुझे नहीं पता, कब मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो होगा तो मैं इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन हैं तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके की बहुत ही एजुकेशनल, बहुत ही रिसर्च इंटेंसिव वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको स्टॉक मार्केट सीखने को मिले वो भी फ्री में। तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और हमसे जुड़ जाइए फ्री में। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।